नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, साथ ही साथ सभी जो भी एलिजिबल हैं सभी को करवा चौथ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपडेट की बात करते हैं आज की, तो एक नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर 2024 जो है उसको निकल करके आया था जूनियर एडेड की नई भर्ती को लेकर के। अब सबसे मेन बात तो है कि पुरानी जो भर्ती है वो सालों से लटकी हुई है, तो प्रथम दृष्टया देखने में वो नोटिफिकेशन फेक लग रहा था, परंतु उसी को लेकर के आज के इस न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी प्रकाशित हो गई है। तो वो जो नोटिफिकेशन था उसको एक कह सकते हैं आधार मिल गया, बेस मिल गया कि नहीं वो नोटिफिकेशन फेक नहीं है, वो सही नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे और आज की न्यूज़ की बात भी करेंगे। जूनियर एडेड से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश का। तो ये नोटिफिकेशन जिसमें आप देखेंगे प्रेषक हैं यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये संबोधित करते हुए लेटर लिखा गया है। दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को ये लेटर लिखा गया था और आज तारीख आपकी है 20 अक्टूबर 2024 की। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग 3 विषय क्या है, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर स्कूल जो हाई स्कूल है उनमें रिक्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर चयन के संबंध में ये लेटर लिखा गया था। इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या दिनांक 3/10/2024 एवं पत्र संख्या एक और जिसका जो तारीख है वो 6/10/2024 और ये कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूल अध्यापकों की भर्ती और जो सेवा की शर्तें हैं और संशोधन नियमावली का जिक्र भी किया गया है, इसके आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या को लेकर के यहाँ पर मांगा गया है कि शासन को 3 दिन के भीतर यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया था, किंतु उक्त आख्या जो शासन है उसमें जो है वो अभी तक नहीं मिली। मतलब ये लेटर दोबारा से भेजने को लेकर के जो है वो कहा गया है। आगे भी लिखा है कि संदर्भ में मुझे अब पुनः कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में जो सुस्पष्ट आख्या है या प्रस्ताव है वो शासन को दिनांक यहाँ पर 18/10/2024 को लेटर लिखा गया था। इसमें एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन था ना उसमें थोड़ा सा डाटा क्लियर नहीं था, तो इसमें भी दोबारा से एक तारीख दी गई थी। संभवतः ये देखने में जो है वो 18 ही देखने को मिल रही, तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई जो है वो कंप्लीट जो है वो करवाई जा सके। ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन। अब इसको लेकर के आज के न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है उसकी भी बात करते हैं। शासन मांग रहा है आख्या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर। मतलब शासन एक तरफ नई भर्ती को लेकर के आख्या मांग रहा है, परंतु जो शिक्षक जो जूनियर एडेड से रिलेटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर हैं कि उस पुरानी भर्ती को जो 2021-22 की अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। तो न्यूज आपकी प्रयागराज से है जिसमें बताया गया है कि 3 साल पुरानी अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2 साल से आरक्षण जो निर्धारण है उसमें अटकी हुई है। मामले में यतीन्द्र कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने 1 माह में 3री बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र लिखकर जो सुस्पष्ट आख्या या प्रस्ताव भेजने को कहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जा सके। ताकि आगे की कार्रवाई के साथ साथ ये भी लिखा है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, मतलब इसके इतर का मतलब है कि एक दूसरी साइड, तो इधर इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो नियुक्ति की मांग को लेकर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर अनवरत धरने पर हैं। सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी। 2021 की परीक्षा सोचिए, रिजल्ट अभी तक नहीं। इसका परिणाम 1 महीने के भीतर 15 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की शिकायत की थी, फिर प्रकरण गया था हाईकोर्ट। उसके बाद 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम आया था जिसमें कुल 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। कोर्ट से याचिकाएं निस्तारण होने के बाद भी विभाग ने अब तक मेरिट और आरक्षण के क्रम में जो चयन सूची है वो जारी नहीं की है और इससे नाराज अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय परिसर प्रयागराज में 15 अक्टूबर से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह की अगुवाई में दुर्विजय सिंघानिया, सुधीर, कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं आदि धरने में सम्मिलित जो है वो हुए और अभ्यर्थियों की जो मेन मांग है वो है कि जब तक भर्ती का शासनादेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक अनवरत धरना जारी रहेगा। तो ये
था ओवरऑल इस नोटिफिकेशन में। कहीं ना कहीं जो लगातार इतने समय से धरना दे रहे हैं और इस भर्ती को लेकर के कंप्लीट होने को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उसके बाद आख्या वाला काम कंप्लीट करके नई भर्ती पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 2021 में वाली अभी नहीं कंप्लीट हुई है, तो तब से कितने ही पद भी खाली हो गए होंगे, कितने लोगों की एज तब से अब तक हो गई होगी। इस सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यही था हमारे से ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।